पहले तो मैं राज्य का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो इतना अच्छा अवार्ड फंक्शन रखा, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि समाज में इस तरह का जो लोग काम करते हैं, चाहे वो समाज सेवा से रिलेटेड हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, तो उन लोगों के लिए प्रोत्साहन देना या उन लोगों के लिए एक एडमायर करना, प्रशंसा करना और उनको बुला के एक मोनूमेंट देना, ये बहुत अच्छी बात है, जिससे उनका उत्साह बढ़ता है और समाज में लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो काम हैं वो अच्छी तरीके से करते हैं। मैं राज्य का धन्यवाद देता हूँ। आप किस तरह के काम किए हैं आपने, बताएंगे जी? मैं कोरोना काल से और उसके पहले से समाज सेवी के तौर पर काम कर रहा हूँ, काफ़ी समाज में सेवा की हुई है। जिस प्रकार को देखते हुए हमें उत्तर प्रदेश के CM साहब ने भी हमें बुलाया था, समाज सेवी के तौर पर मुझे लोग जानते हैं और एक व्यवसायी भी हूँ। बुंदेलखंड में काफ़ी जगह में समाज सेवा का काम कर रहा हूँ और महाराष्ट्र में भी कर रहा हूँ, मुंबई में। तकरीबन मुझे 2 से 3 साल ये कोरोना काल जब से शुरू हुआ, काफ़ी जगह में एक्टिव हूँ और बहुत सारे काम चालू हैं समाज सेवा के तौर पर। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो समाज में जाके बता रहा हूँ, समाज के लोगों को बता रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश या जो प्रांत की जो योजनाएं हैं वो भी गवर्नमेंट की जो योजना है उनको बता रहा हूँ और समाज सेवी के तौर पे अच्छा काम कर रहा हूँ। कह सकते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा क्योंकि सोनू सूद हमारे भाई हैं और काफ़ी बड़े एक्टर हैं, लेकिन लोग जनता कहती है तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फंक्शन में ये कहना चाहूँगा कि ये एक टाइप की जो मुहिम स्टार्ट की गई है, ये बिज़नेस और एंटरप्रेन्योर्स का मोटिवेशन बढ़ाने का एक मुहिम है। इससे क्या है कि एक आदमी जब अपना अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको खुद को तो फ़ायदा होता है, पर उसके साथ 4 लोगों को और फ़ायदा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े शख्सियत जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 500 से अधिक एम्प्लॉय हैं, जो इतना उन्होंने रोज़गार दिया है। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो IT फील्ड से हैं, बड़े बड़े सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे हैं। इन लोगों को सम्मान हमें देना चाहिए और इनको सम्मान एक बड़े से बड़े मंच में मिलना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य। तो राजी, आज जो आज आप इस अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये मुंबई से लोग हैं या कि और महाराष्ट्र के कोने कोने से भी लोग हैं यहाँ पर जिले में? जी जी, देखिए सर, देखिए मैम, हमारा जो ये अवार्ड सेरेमनी है, इट इज़ इंटरनेशनली प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी, सो डैट कि हमने जितने भी लोगों को नॉमिनेट किया था वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से किया था, परंतु ड्यू टू शॉर्ट पीरियड दे वर अनेबल टू कम हियर। बट कई शहरों से, डिफरेंट शहरों से हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हैं, UP से आए हैं, MP से आए हैं, इंदौर से आए हैं, गोवा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कई जगह से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। तो इन सब लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है और कई लोग जो आना चाहते थे, समवन फ्रॉम दुबई, बट ही वॉज अनेबल टू कम ड्यू टू ट्रेवलिंग एंड शॉर्ट, ड्यू टू कम समय होने के कारण वो आ नहीं पाए। परंतु हम जो नेक्स्ट इवेंट करेंगे 100% वो एक इंटरनेशनल लेवल पे होगा, जहाँ पे आउट ऑफ इंडिया से भी लोगों को आने का समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, अभी टाइम नहीं मिलेगा। तो राज, आपने देश के कोने कोने से लोगों को आज इस प्लेटफॉर्म से सम्मानित कर रहे हैं, किस तरह से आपने सिलेक्ट किया है कि जो सही पर्सन है जिन्होंने काम किया? तो अवार्ड तो बहुत होते हैं जी, लेकिन उस सही पर्सन तक ये अवार्ड जा सके इसका कितना ध्यान दिया है जी? ये हमने सबसे प्राथमिकता इसी चीज़ को दी, हमने उन लोगों को अवार्ड दिया है कि देखिए जो बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, बड़े बिजनेस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको तो हम अवार्ड दे ही रहे हैं, परंतु यहाँ पर हमने उन लोगों को भी सम्मानित किया है जो छोटे स्तर पे एक मेहनत कर रहे हैं, अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के एक हीरो हैं जो रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं, एक इंडियन इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो उन लोगों का हमने पहले एक इंटरव्यू भी लिया था, उनसे हमने बातचीत की थी, बातचीत करने के बाद हमारी कमेटी को ऐसा महसूस हुआ कि ये सम्मान देने लायक है, ये अवार्ड देने लायक है, इनको अवार्ड मिलना चाहिए, और उन्होंने यहाँ पे आके हमारे और गर्व को बढ़ाया। अजय नाम है मेरा, अजय सिंह गौतम जी। जी, श्री रंजीत जी आने वाले हैं, मुश्ताक खान जी आ चुके हैं, अली खान सर भी आ चुके हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रियल इस्टेट की फील्ड से हैं, एक इंदौर से सर हैं जिनके ऑलरेडी मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है इंदौर शहर से। उसका फैशन मॉडल भी है हमारे यहाँ पे, फैशन मॉडल के साथ साथ IT फील्ड के हैं, एडवोकेट भी हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और कई सारी कैटेगरी हैं जी, एवरीथिंग, सोशल वर्कर हैं, NGOs हैं, कई सारे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि एक्चुअली अवार्ड फंक्शन एक मिलन नहीं होता, मीटिंग नहीं होती, एक मोटिवेशनल होता है। हाँ।
एक्चुअली एक अवार्ड जो होते हैं, आजकल बहुत सारे अवार्ड हो रहे हैं, तो अवार्ड फंक्शन एक मीटिंग नहीं होती है, एक मोटिवेशनल होता है लोगों के लिए। जब अवार्ड से किसी को सम्मानित किया जाता है तो एक अलग ही उत्साह आता है काम करने के प्रति। आज हमारा इंडिया में जो उत्साह बढ़ रहा है बिजनेस के प्रति, एम्प्लॉयज़ की बजाय लोग बिजनेस करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसी कारण बढ़ रहा है, क्योंकि कोई सम्मान भी मिल रहा है। पैसा तो सब कुछ नहीं होता, सम्मान भी तो होता है, सम्मानित किए जा रहे हैं। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं रिया एम्प्रेल अवार्ड से, वही है जो हम लोग ने चूज़ किया 50 अवार्ड। बिल्कुल सही है। इससे पहले हम लोगों ने, महपाल जी ने और हमने मिलकर किया है, बुंदेलखंड अवार्ड किया है, बुंदेलखंड के लोगों को सम्मानित किया है। बट जो रियल एम्पीरियल अवार्ड हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं। एक्चुअली हमारी जो ट्रॉफी है रियल एम्पीरियल अवार्ड, पहले तो मैं सबसे पहले बता दूं कि रियल मतलब रियल होता है, रियल जैसे हीरो बोलते हैं, एम्पीरियल मतलब शाही, खुद के बिजनेस का एक राजा है वो, खुद के बिजनेस का एक वो राजा है। और वो ट्रॉफी बनाई गई जो कि आर और ए के बीच में जो आई का सेव दिया गया है, वो एक मतलब खुद खड़ा हुआ है, स्वागत कर रहा है अपने कस्टमर का। आज फिर भी थोड़ा ट्रैफिक कम था। क्या जी, क्या आशीर्वाद इसमें बोलने का? हाँ सर, बोलिए। भाई आज फंक्शन पे राज ने बुलाया है, मैं इसको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। ज़िंदगी में तरक्की करें और जो कुछ भी है जिस लिए आया वो आपको मालूम ही है, तो अवार्ड फंक्शन है तो उसके लिए इसके प्यार में आ गया हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रंजीत सर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, मुश्ताक सर का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है। तो अजय सिंह गौतम जी, कल आप आए थे मेरे घर पर और तुम तो बेटी का अपना नाम भेज दिया, क्या हुआ? सर उसमें बिजी हो गए थे इसलिए। कोई बात नहीं। रियल इम्पीरियल अवार्ड्स 2022 के लिए मैं अजय और राज को, दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये लोग आगे बढ़े और जो इनका मकसद है, जो ये चाहते हैं, उसमें इनको तरक्की कर मिले, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। मैं भी यही कहना चाहता था लेकिन मेरी यादाश्त कमज़ोर है थोड़ी। रंजीत सर, काफ़ी समय हो गया आपको पर्दे पे देखा नहीं, कब मौका मिलेगा हम लोगों को पर्दे पे आपको देखने? अभी पर्दे पे क्या देखें, सामने देखो, अभी सामने से देखो। और क्या, पहले मेरे ज़माने में हीरोइन साड़ियाँ पहनती थी, अभी पहनती नहीं, मेरा काम खत्म। अब मैं कहाँ से पकड़ूंगा, कहाँ से खींचूंगा, कहाँ से वो चिल्लाएगी, है ही नहीं कोई काम। नहीं नहीं, वेब सीरीज मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें आजकल मैं देखा, एक आध देखी थी, और नंगापन बहुत होता है, गालियाँ बहुत होती हैं, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर मैं तो ठीक है, ऊपर वाले की कृपा से थोड़ा कर रहा हूँ काम। अभी मेरी एक गदर 2 शूट चालू है, अनिल शर्मा जी की, उसकी शूटिंग चालू है। कुछ वेब सीरीज़ मैं कर रहा हूँ, कुछ मैंने यस राज प्रोडक्शन के लिए अभी एक सीरीज़ किया है जिसमें के मैनन है और बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल रवेल के जो बेटे हैं देव राहुल, वो उसके डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी मैं शूट करके आया हूँ, तो मुझे ठीक है, काम मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस राज को, गौतम जी को बधाई देना चाहूँगा, एक अच्छी शुरुआत है। अवार्ड शो है, बहुत सारे अवार्डीज यहाँ पे हैं और बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है यहाँ पे। हम रंजीत जी, मुश्ताक खान साहब, मेरा बेटा फैयाज, हम सब लोग यहाँ आए हैं मुबारकबाद देने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए। ये चीज़ अब तो अंदर जाने के बाद हमने भी सुना, अलग होने वाला। देखिए राज जो है बहुत नेक इंसान है, बहुत ज़माने से कोशिश इनकी थी और ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और इसमें इस बार गौतम जी भी उनके साथ हैं, इंदौर से जो हैं,
तो ये लोग मिल के, चूँकि यूथ हैं, यंग हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम सब लोग इनको कोऑपरेशन देने आए। हाँ जी, ये लुक मेरा उसी का। यस यस, हाँ अभी उसमें टाइम है, चूँकि एक शेड्यूल अभी बाकी है, अभी 15 जून से एक महीने का आउटडोर इंदौर में है, तो ये जब पूरा हो जाए उसके बाद बताऊँगा। थैंक यू। चलिए सर, अपने नाम से बताइए और किस तरह का शो रहा आज? काफ़ी शो रहा, काफ़ी सेलिब्रिटी है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अजय सिंह गौतम, को ऑर्गेनाइज़र ऑफ रियल एम्पीरियल अवार्ड 2022। ये इवेंट बहुत ही सफल रहा, हमारे मुख्य अतिथि आए और उन्होंने कई लोगों को सम्मानित किया, और सम्मानित करने के साथ साथ सारे पार्टिसिपेंट जो अवार्डिस थे वो खुश होके गए। ये चीज़ सब देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और ये सक्सेसफुल इवेंट के बाद हम एक नेक्स्ट इवेंट प्लान कर रहे हैं जो कि क्रूज पे होगा, और 48 आवर्स सेलिब्रिटी, बिजनेस ऑनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर के साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, 10 सेलिब्रिटीज़, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ 48 आवर्स स्पेंड करेंगे पार्टिसिपेंट्स के साथ, मीन्स जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन से, इनोवेटर्स, उन सबके साथ हम नेक्स्ट इवेंट प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी इस सफल इवेंट के बाद। और इस सफल इवेंट का श्रेय हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर राज राजपूत को भी जाता है। जी राज राजपूत जी, बताइए। एक्चुअली हमने कोशिश की, और हमारी कोशिश थी, जो गेस्ट आए हमारे उन्होंने कोऑपरेट किया, चीफ गेस्ट हुए, वाइस चीफ गेस्ट हुए, गेस्ट जो ऑल इंडिया से आए उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हंसमुख थे, और उनका इवेंट था, उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट इवेंट करूँगा, अभी से सबको आग्रह करूँगा कि फिर से आएँ आप, और अच्छा काम करें तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। थैंक यू। हाँ सर, एक आ जाइए आपका। ठीक है, चलो आ जाओ सर। ओके, बोलो दादा।